हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हो सब। 15 फरवरी 2024 के शाम के साथ बज चुके हैं और आपका भाई आ चुका है एक और नए एपिसोड के साथ। एंड दिस इज एपिसोड नंबर 189। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो आज का अपना फर्स्ट अपडेट है डंकी की ओटीटी रिलीज को लेकर। तो राजकुमार हिरानी और एसआरके की डंकी मूवी थिएटर्स में आई थी 21 दिसंबर को और फैंस की हाई डिमांड थी कि भाई ओटीटी पर कब आएगी। तो फैंस का इंतजार हुआ खत्म, डंकी आ चुकी है नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो जाओ और देखो। इमोशंस और फन का कॉम्बो है यह फिल्म विथ ब्यूटीफुल मैसेजेस। वैसे हंसते हंसते रुला देना और रोते रोते हंसा देना, यही राजकुमार हिरानी की मास्टरी है, क्योंकि आपको इस फिल्म के अंदर भी देखने को मिलेगी। और हाँ, ये फिल्म आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के बिंदास देख सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो की है पुष्पा 2 को लेकर। तो भाई ऐसा है कि पुष्पा का वो आइटम सॉन्ग ऊ अंटवा बहुत ज्यादा फेमस हो गया था और उससे सामंतारूद प्रभु को भी पैन इंडिया लेवल के ऊपर बड़ी सक्सेस मिली थी, उनका फैन बेस बढ़ गया था। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो पुष्पा 2 के अंदर नहीं होंगे, लेकिन आइटम सॉन्ग पहली पुष्पा से भी ग्रैंड लेवल का होने वाला है। मेकर्स का ऐसा है कि भाई देखो, पुष्पा के 2 शॉट कम दिखाना चलेगा, लेकिन आइटम सॉन्ग तो चाहिए, मतलब चाहिए। और इसके लिए पहले श्रीलीला का नाम सामने आ रहा था, लेकिन वो भी कैंसिल हुआ। उसके बाद बॉलीवुड में से भी सभी हीरोइंस ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया इस मूवी का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि भाई पुष्पा 2 रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर है, ये सब जानते हैं। पर ऐसी फिल्म का हिस्सा कौन नहीं बनना चाहेगा, खास करके जब मेकर्स इस आइटम सॉन्ग को बहुत ही बड़े लेवल पर ले जाने वाले हैं। तो फाइनली मेकर्स की सुई अटकी है दिशा पटनी के ऊपर। यस, इस ग्रैंड लेवल के आइटम सॉन्ग के अंदर आपको दिशा पटनी देखने को मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है, सामंता वाले लेवल तक जाएगा ये सॉन्ग या फिर आपके दिमाग में कोई और बेहतर नाम है? जो भी है कमेंट्स करके बताओ यार। नेक्स्ट अपडेट है नितेश तिवारी की रामायण ट्रायोलॉजी को लेकर। तो जैसे आपको पता ही है कि कास्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, एक से बढ़कर एक एक्टर को कास्ट किया जा रहा है। बीच में अपडेट्स आए थे कि भाई दशरथ जी के रोल के लिए अमिताभ बच्चन से बात चल रही है, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि अमिताभ बच्चन नहीं, अरुण गोविल से बात चल रही है। अब अरुण गोविल जी हमारे दिमाग में श्रीराम भगवान के किरदार में पहले से एकदम फिट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या फाइनल होता है, लेकिन अगर अरुण जी इस किरदार को कर लेते हैं तो बड़ा ही सहयोग हो जाएगा कि एक एक्टर जिसे पवित्र रामायण के अंदर बाप और बेटे दोनों का किरदार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे आपको क्या लगता है, अरुण जी सही रहेंगे या फिर अमिताभ बच्चन बढ़िया चॉइस होगी? मेकर्स की तरफ से अभी इसको लेकर कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट है राजकुमार राव की अपकमिंग मूवी को लेकर। फिल्म का टाइटल है श्री द इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ श्रीकांत बोल्ला और ये एक बायोपिक मूवी है जिसमें राजकुमार राव इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोल्ला के किरदार को निभाएंगे जो कि दृष्टिहीन थे। फिल्म के अंदर आलिया एफ और ज्योति का भी दिखेंगे। कुल मिला के एक ऐसे बंदे की कहानी है जिसने आंखों से नहीं अपने मन से सपने देखे। कविताओं में और शायरियों में अक्सर हम ये लाइन सुनते हैं कि आंखों में बड़े बड़े सपने, अरे नहीं दोस्त, सपने आंखें नहीं देखती है, मन देखता है, क्योंकि सपने वो लोग भी देखते हैं जिनकी आंखें नहीं होती है। ये बात अलग है कि उनको पूरा करने की औकात बहुत कम लोगों में होती है। तो ऐसे ही एक बंदे की कहानी देखोगे आप इस फिल्म के अंदर जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। वैसे आपकी बात करें तो आप सिर्फ सपने देखते हो या फिर पूरा करने की हिम्मत भी रखते हो? थोड़ा चुभने वाला सवाल जरूर से है, लेकिन हिम्मत से जवाब देना दोस्त। ये फिल्म आने वाली है 17 मई 2024 को। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट थोड़ा सा सैड है अक्षय कुमार के फैंस के लिए। तो आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि अक्षय कुमार की एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म आने वाली थी जिसका टाइटल था साइको, लेकिन अपडेट ये है कि ये फिल्म अब नहीं आएगी। मैटर को शॉर्ट में समझा देता हूँ भाई। फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे मोहित सूरी और प्रोड्यूस करने वाले थे रोहित शेट्टी, लेकिन तीनों इस फिल्म को लेकर एक जैसी सोच पर नहीं थे। मोहित सूरी या अक्षय कुमार इस फिल्म को एक स्पेशल एक स्पेसिफिक जॉनरा में ही बनाना चाहते थे, लेकिन रोहित शेट्टी चाहते थे कि फिल्म थोड़ी कॉमर्शियली बनाई जाए। एनीवे बहुत सारी मीटिंग्स के बाद इस सब्जेक्ट को फाइनली बंद कर दिया गया है, सो डोंट वेट फॉर इट। नेक्स्ट अपडेट है सैफ अली खान और धांसू एक्टर जयदीप अहलावत की अपकमिंग मूवी को लेकर, जिसके अपडेट सुनने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये एक एक्शन पैक्ड हाइस्ट थ्रिलर फिल्म होगी। और भाई मुझे चोर पुलिस की कहानियां, उसमें भी थ्रिलर हो तो भाई मजा आ जाता है, जैसे कि मनी हाइस्ट सीरीज। वैसे आप में से कौन कौन मनी हाइस्ट का जबरा वाला फैन है मेरी तरह, कमेंट्स करके बताना ताकि मुझे पता चले कि आप में से कितने लोगों का टेस्ट मेरे जैसा है। एनीवे सैफ अली खान की इस फिल्म का शूट पूरा हो चुका है और इसी साल के एंड तक ये फिल्म आएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर। फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ। यस, 1967 में इसी नाम से देव साहब की भी एक फिल्म आई थी, लेकिन ये नई वाली फिल्म उस फिल्म की रीमेक नहीं है, सिर्फ टाइटल सेम है, क्योंकि मेकर
राइटर्स के हिसाब से यही टाइटल सब्जेक्ट के ऊपर परफेक्टली सूट होता है। बाय द वे सिद्धार्थ आनंद के प्रोडक्शन हाउस मार्फ्लिक्स की ये फिल्म है, देखते हैं आगे इसको लेकर क्या अपडेट्स आते हैं। जैसे ही अपडेट आएंगे हम आपको दे देंगे, बस आप लेने के लिए आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हें घर पे आके देके जाऊंगा। घर पे आके देके जाऊंगा। हाँ, नेक्स्ट अपडेट है लव सेक्स और धोखा पार्ट 2 को लेकर। तो भाई पार्ट 1 जनता को बहुत पसंद आया था, अब बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इस फिल्म के मोशन पोस्टर और सॉलिड कैप्शन के साथ पार्ट 2 का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो धड़कता हुआ दिल दिखाया गया है जिसके ऊपर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आइकॉन्स लगे हुए हैं। पार्ट 1 जो था वो MMS स्कैंडल के ऊपर बेस्ड था और पार्ट 2 आजकल के डिजिटल इरा के रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरनेट पर मिलने वाले प्यार की हिडन साइड्स के ऊपर बेस्ड होगा। अगर आपको याद हो तो लव सेक्स और धोखा इसी मूवी से राजकुमार राव को जनता में अपनी पहचान मिली थी और ये उनके करियर की दूसरी फिल्म थी। सेकंड पार्ट की कास्ट को लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है फिलहाल। एनीवे पार्ट 2 आने वाली है 19 अप्रैल को थिएटर्स में। नेक्स्ट अपडेट है दंगे फिल्म को लेकर, तो इसका ट्रेलर आज आने वाला है। दो दोस्तों की कहानी है, ये जिंदगी के एक मोड़ पर दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। ट्रेलर के ऊपर कल बात करेंगे क्योंकि जब तक ये वीडियो बन रहा है ट्रेलर नहीं आया है। नेक्स्ट अपडेट है बस्तर 2 के सेकंड टीजर को लेकर और भाईसाहब टीजर बहुत ही स्ट्रांग है। छोटा सा टीजर आपको इमोशनली बहुत ही अंदर तक टच करेगा और बहुत सारे सवालों के साथ छोड़ देगा। वैसे आपने देखा कि नहीं ये सेकंड टीजर, कैसा लगा जरूर से बताना। ओके, देन आज की बातें यही तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मैं मिलता हूँ कल शाम को 7 बजे। दिस इज जय सिनेमा वॉचिंग जय सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।